चलिए बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं। यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए टीम योगी का इंटरनेशनल मिशन रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। कृषि से लेकर आईटी तक, डिफेंस से लेकर एजुकेशन तक, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन चुका है। कैसे, आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी की योगी सरकार पीएम के विजन के साथ मिशन मोड पर एक्टिव है। बिना रुके, बिना हारे, बिना थके, बिना शोर शराबे के लगातार काम करने वाले योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से 100% रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर समिट में दुनिया के 200 देश निवेश करना चाहते हैं, चाहे फिर वो अमेरिका हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, ये सभी देश उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बेकरार है। उत्तर प्रदेश की बीमारू राज वाली छवि अब एक हिस्ट्री बन चुकी है। महाराज अपनी विक्ट्री टीम के साथ जिस सीक्रेट मिशन में जुटे हुए थे, अब वो रंग लाने लगा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री के मिशन पर है, लेकिन इसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है। यूपी की चर्चा इन दिनों ग्लोबल लेवल पर हो रही है। यूपी के चमकते सूरज को दुनिया सलाम कर रही है, इसके प्रमाण हम आपको दे देते हैं। अमेरिका इंग्लैंड से 4,00,000 करोड़ के निवेश पर करा। सैन फ्रांसिस्को और इंग्लैंड ने 21 से मोई। आईटी, कृषि और वैकल्पिक ऊर्जा में निवेश की बड़ी तैयारी। सिंगापुर की टेक्नोलॉजी से सीखेगा उत्तर प्रदेश। 1,000 करोड़ निवेश करेगी फ्रांस की कंपनी। यूएई से आएगा 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। बाराबंकी में निवेश के लिए 500 करोड़ से ज्यादा का एमओयू। अबू धाबी और दुबई में रोड शो और बैठकों में 200 से ज्यादा टॉप उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। ये आंकड़े हैं यूपी में आकर निवेश करने वालों के। निवेश का यही बैरोमीटर योगी के यूपी का डंका विदेशों में बजने का प्रमाण है। यूपी को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने का योगी अपना प्रण भी दोहराते हैं और याद भी दिलाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी, और पंच प्रण में सबसे पहला बड़ा निवेश अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से आता दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में इन देशों के दौरे पर गए डेलीगेशन ने जानी मानी कंपनियों और बिजनेस हाउसेस से कई क्षेत्रों में निवेश के लिए 4.07 लाख करोड़ रुपए के 21 निवेश प्रस्तावों के लिए एमओयू किया। यूपी को देश की इकोनॉमी का पावर हाउस बनाने के साथ ही देश की कल्चरल राजधानी बनाने के लिए भी काम चल रहा है। गोरखपुर में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो किया गया, जिसमें 750 ड्रोन से आसमान में क्रांतिकारियों की कहानी दिखाई गई। संसद भवन और तीर्थ स्थलों की छवि भी उकेरी गई। विरासत का सम्मान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान स्थल को भव्य स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके उनके प्रति सम्मान का भाव, ये विरासत का ही सम्मान है। यूपी बढ़ रहा है नोएडा एनसीआर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के तौर पर भी, और रामायण सर्किट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तौर पर भी। आईटी, स्वास्थ्य, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, कृषि, पर्यटन, शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में निवेश आ रहे हैं। करीब 22 करोड़ आबादी वाला यूपी अब एक निवेश फ्रेंडली स्टेट के तौर पर पहचान बना चुका है। सरकार ने उद्यमियों के लिए लगभग 25 नीतियां बनाई हैं। इन्हीं नीतियों और बुलडोजर वाले सुशासन और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले एनवायरनमेंट के कारण अमेरिका और इंग्लैंड के उद्यमी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होंगे। सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी $42 बिलियन की ऑस्टिन नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। To build a very unique project in India. It's about 5,000 acres land. We call it Austin Smart City of Knowledge. And is going to be in UP. The entire project will cost about $42 billion project, on built on five phases on 5,000 acres land. The project will be built around One Heart, which is the best academic component in the world. It will have the best universities coming inside the project. Around that will be a major city built from scratch, smart and green and inclusive for everybody. And hopefully this one will change the idea of higher education in India.
यूपी में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए तेजी से काम हो रहा है। ब्राजील में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र के वैज्ञानिकों से चर्चा कर यूपी में सेंटर खोलने पर भी काम चल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइलें 2025 से तैयार होने लगेंगी। इस सुपरसोनिक मिसाइल के नाम से चीन ही नहीं कई देश थरथर कांपते हैं। इस यूनिट में 5,000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। भारत का ग्रोथ इंजन साबित होता उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। साल 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन महज 5 सालों में योगी सरकार ने एक पायदान ऊपर छलांग लगा डाली है। जीडीपी में भी अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी करीब $230 बिलियन की है। योगी सरकार ने साल 2027 तक के लिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने यूपी को एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी बाजारों में चीन के विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहती है। लक्ष्य तय है, योगी प्रतिबद्ध है और यूपी ने इसके लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नवभारत, लखनऊ।